question, like we have any doubt or anything. Otherwise, we can start. So Ashish, I guess students will be coming up with the queries once you will start up with the things. Okay. They will catch up in between. Okay. Hi, Suvashish. Taruna here, assistant professor from CSC department. Hi, ma'am. Hi. How are you, Suvashish? Good, ma'am. Good. Okay. You can share your experience till more students join the session. Okay. Okay. So right now they are joining? Yes, they are joining. Mostly has joined and a few students are still joining. Okay. So till then you can share your experience. Okay, so let me share firstly my college experience. So many people may be know, or Kapil sir may be know, I was like a good enough student, not that much bad or not that much good enough. बट या सम मिडिल क्लास सम मिडिल टाइप ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट. मेरे को कोई इतना कुछ खास एक्सपीरियंस तो था नहीं. बट अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, जॉब की, हाँ उस पर कुछ मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था. मेरे को शुरू से ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. शायद आपको पता नहीं होगा, जितने भी हमारे कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, हमारे बैच में जितने भी प्लेसमेंट हुआ था, उसमें से 3 से 4 मैंने इंटरव्यू क्लियर करे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट डायल, हेलो ट्रैवल, इंडिया मार्ट, और भी एक कंपनी था, आई फॉरगॉट हिज नेम, आल्सो आई क्लियर दैट. सो इफ यू हैव टू गाइड समथिंग लाइक क्या आप कर सकते हो जिससे आप कैंपस प्लेसमेंट हो, इंटरव्यूज हो, आप कैसे क्लियर कर सकते हो, बेसिकली यू हैव टू बैक इन रियलिटी कि जो भी रियलिटी में हो रहा है, जो भी मार्केट में चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आपको दिखाना पड़ेगा. आपको कभी भी ये फिल्मी स्टाइल या फिर उस पर नहीं जाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को कुछ ऐसे जवाब देनी होगी, मेरे को कॉन्फिडेंस इस लाइन से दिखेगी, ऐसा नहीं होता. कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट दैट. आपको बस तरीका आना चाहिए कैसे उसको प्रेजेंट करना है. लाइक इफ आई हैव टू से कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में बेसिकली आपको हर स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर एक स्किल में आप स्ट्रांग होनी चाहिए. वो स्ट्रांग पर्टिकुलर स्किल को लेके कंपनी अपना ग्रोथ में यूटिलाइज करता है. लाइक मैं अपनी बात करूँ, आई एम नॉट ए डेवलपर, एज आई कैन प्रीवियसली आई मेंशनड, आई एम ए असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर. मे बी यू डोंट नो वट इज़ प्रोडक्ट मैनेजर. ये एक नया फील्ड है मार्केट में, अभी शायद आप लोगों को इतना पता नहीं है. जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो या फिर एक एप्लीकेशन बनाते हो, अभी कॉलेज प्रोजेक्ट में आप एप्लीकेशन बनाते हो या फिर कुछ भी बनाते हो, तो उसको प्रिपेयर करना दैट कहाँ से कहाँ तक बन के जाएगा वो प्रोजेक्ट, कि उसका बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी, उसमें रन क्या होगा, उसमें मॉड्यूल्स क्या होंगे, क्या रन करेगा, कौन सा प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने वाला है, वो सारा कुछ. लाइक काइंड ऑफ यू कैन से एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट मैनेजर लाइक दैट. सो आपको वो करना है. टोटल जो मैनेजमेंट होता है, लाइक हाउ टू हायर पीपल, हाउ टू मैनेज पीपल, व्हाट टास्क क्या रन होगा, कौन सा टास्क किसके पास जाएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन, डेवलपमेंट, रनिंग, मार्केटिंग, सब कुछ प्रोडक्ट टीम देखता है. तो प्रोडक्ट टीम काइंड ऑफ लाइक लीड मैनेजमेंट होता है, जो कि पूरे एक प्रोडक्ट का या फिर प्रोजेक्ट का. तो वो चीज़ होती है. मैं डेवलपमेंट नहीं करता, आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड इन टू डेवलपमेंट, बट या आई ऑडिट डेवलपमेंट. जो भी मेरे पास काम करते हैं, मैं उनको ऑडिट करता हूँ कि कैसे डेवलपमेंट हो सकती है और क्या कर रहे हैं वो मैं करता हूँ बेसिकली. एंड आपको रियलिटी के साथ, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, आपको रियलिटी के साथ रहना पड़ेगा. मैं बहुत बच्चे देखा हूँ जो शायद यूट्यूब वीडियोज बहुत सारा देखते हैं कि हमें कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है. कोई भी फॉर्मूला नहीं है इंटरव्यू क्रैक करने का, कोई भी फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई भी. आपको खुद बनाना पड़ेगा. हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं. यू हैव टू चूज बाई योर ओन कि आप में कॉन्फिडेंस कैसे आता है, किस लाइन से आता है, किस प्रोडक्ट से आता है, वो आपको बनाना पड़ेगा खुद. देन स्किल, अगर हम स्किल की बात करें, कोई भी ऐसे आपको एक पर्टिकुलर स्किल रखना पड़ेगा आपके बीटेक लाइफ में या फिर आपके एजुकेशन लाइफ में, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर एक स्किल जिसमें आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और उसमें आपको कंपटीशन दिखानी पड़ेगी. देखो जैसे कि जब आप बीटेक स्टार्ट भी किए होंगे, या फिर आपके अभी जो कलीग्स होंगे, जो कजिन्स होंगे, वो सारे पढ़ने के लिए बोल रहे होंगे, या बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं नहीं बीटेक बहुत खराब है, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे ठीक है बीटेक टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, कि क्यों बोलते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स मार्केट में घूम रहे हैं. ऐसा नहीं है, मार्केट में जो घूम रहे हैं उनके पास वो स्किल नहीं है जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है. आपको वो स्किल बनानी पड़ेगी. अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है. आईटी सेक्टर में कहीं भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है. अपॉर्चुनिटी के हिसाब से स्किल्स नहीं है, बच्चों के पास स्किल नहीं है, तभी हम पीछे हैं.
ऐसे दिक्कत होती है. आपको अगर आपके पास स्किल है, कंपनी आपको ऑब्वियसली हायर करेगी. अब आप मेरे जो लास्ट बेस्ट हमारे 2016 to 2020, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो MNCs में कंपनीज में गए हैं, MNC टाइप कंपनीज में गए हैं, जो कि लाइक एक बीटेक स्टूडेंट को MNCs में अभी लेना बहुत बड़ी बात होती है, बट वो गए हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स ऐसे हैं. तो वो भी आपको देखना पड़ेगा. एक और भी डाउट आते हैं, बहुत बच्चे स्कूल से क्या सोचते हैं या फिर कॉलेज से क्या सोचते हैं कि हमें अभी से एक बड़ा कंपनी में जाना है. लाइक वो सोचते हैं कि हमें अभी से एक HCL कंपनी, इंफोसिस कंपनी, सिस्को कंपनीज, इन कंपनीज में जाना है. अगर मेरा रिकमेंडेशन मानोगे, अभी आप MNC की जगह ना कोई भी कंपनीज मिल रहा है, लाइक एक स्टार्टअप कंपनीज भी मिल रहा है ना, वहाँ पे जाने की ट्राई कीजिए. क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनी होता है वहाँ पे आपको सीखने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. MNCs में क्या होता है, टास्क ऑलरेडी रेडी होते हैं, आपको बस फ्लोर पे दिया जाता है, यू जस्ट हैव टू रन इट. बट स्टार्टअप में क्या होता है ना, वो टास्क बन कैसे रहा है आप वो भी सीखते हो. अगर आप फ्यूचर में अपने लाइफ में अपने कैरियर में कुछ खुद से ही बनाना चाहते हो, लाइक इफ यू गाइस नो कि एंटरप्रेन्योरशिप का बूस्ट अभी बहुत ज्यादा है, हर कोई अपने आप को खुद को ही प्रेजेंट करना चाहता है इंस्टेड ऑफ वॉकिंग समवेयर एल्स, तो उस चीज के लिए आपको अगर खुद के स्किल्स बढ़ाने हैं ना, आपको स्टार्टअप कंपनीज में काम करने का बहुत सारा आपको बेनिफिट है. लाइक आप खुद के स्किल भी देख सकते हो कि आप किस किस फील्ड में एक्चुअल में काम कर सकते हो. लाइक इफ आई कैन से कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी चाहता तो शायद मेरा HCL में भी हो गया था. इफ यू गाइस नो या डोंट नो, कपिल सर को पता है कि मेरा HCL में भी हो गया था, HCL टेक्नोलॉजीज में. बट स्टिल मेरे को पता नहीं मैं क्यों चूज किया, बट मैंने चूज किया हेलो ट्रेवल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, आई प्लेस्ड दैट वेयर. सो मैंने इसीलिए चूज किया कि ठीक है, कुछ सीखने को शायद मिल जाएगा. मेरे को कोई आइडिया नहीं था, इफ आई गाइस मतलब मेरे को कोई बात नहीं हुई थी कोई भी सीनियर उस टाइम पे, ऐसे बात नहीं हुई थी, बट मैंने ऐसे ही चूज किया. बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि आपने क्यों इतना बड़ा कंपनी छोड़ के वो छोटा कंपनी चूज किया, बट मैंने बहुत कुछ सीखा जो कि शायद मैं HCL में ना सीख पाता, इतना तो मेरे को गारंटी है. क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, बहुत छोटा कंपनी है, बहुत छोटा टीम है, तो वहाँ पे क्या है, हर चीज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था काम करने के लिए, चाहे कोई भी फील्ड हो, डेवलपमेंट में भी, डिजाइन में भी, मार्केटिंग में भी, सेल्स में भी, हर किसी में फील्ड में, तो उसमें आपको बेनिफिशियल होते हो. और हमेशा अपने इंटरेस्ट बेस भी चूज करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम शायद किसी और को देख के हम चूज करते हैं, अच्छा वो एंड्रॉयड में जा रहा है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जा रहा है, वो अच्छा कमा रहा है, वो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, प्रोजेक्ट उठा रहा है बहुत जगह से, उसको प्रोजेक्ट मिल जा रहे हैं, काम कर रहा है, तो हम भी कर लेते हैं. कभी ये क्रैब मेंटेलिटी मत रखना, क्योंकि हो सकता है उसको वो चीज़ पसंद हो. क्या होता है, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आप सिर्फ पैसे के लिए उसके पीछे जा रहे हो, आज तो आप कर लोगे वो काम, बट क्या होगा, एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल बाद आप बोर हो जाओगे उस काम से, फिर आपको कुछ और ढूंढनी पड़ेगी, जो कि जो आपने स्किल वो दो साल में ग्रोथ की होगी वो पूरा खत्म हो जाएगा. तो वो भी आपको ध्यान रखना है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है एक स्किल बनाना, क्योंकि आप कॉलेज में अभी जो पढ़ रहे हो वो अभी नहीं है, अभी फील्ड में नहीं है, फील्ड में कुछ और है, आप पढ़ कुछ और रहे हो. जब फील्ड में आओगे ना, टोटल अलग होगा. आप बेसिकली वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, या फिर आप DBMS पढ़ रहे हो, या फिर जो भी पढ़ रहे हो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो बस एक बेसमेंट है. जो भी आपको, जब आप फील्ड में आओगे तो बेस की तरह काम करेगा, बट उसके ऊपर जो आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है वो खुद से ही खड़ी करनी है. आपको स्किल्स खुद बनानी पड़ेगी, या तो कहीं ट्रेनिंग कोर्सेस करनी पड़ेगी, वो सब बनाना पड़ेगा. तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि हम कैसे हमारे स्किल पे ही ध्यान दें, क्योंकि आपके स्किल आपको ही पता होंगे. एंड हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि हम BTech किए हैं तो हम सिर्फ डेवलपमेंट में जाना चाहिए, सिर्फ कोडिंग में जाना चाहिए. नहीं, ऐसा कोई कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि CSE सिर्फ बना हुआ है कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जाना है. CSE में बहुत कुछ और भी सिखाता है, जैसे कि जो भी हमारे बेसमेंट सिखाता है ना, सपोज मैं अपनी बात करूंगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करूंगा, एक दूसरा आर्ट्स या कॉमर्स या फिर कोई और फील्ड का नहीं बता सकता कि एक प्रोजेक्ट के पीछे कैसे ट्रैकिंग लगती है. लाइक एक पिक्सल कोड एक चीज होती है, एक एनालिटिक कोड एक चीज होती है, वो कैसे लगता है, उसका क्या काम होता है, वो कैसे रन होता है, कैसे वो आपको डेटा निकाल के देता है, रिपोर्ट्स निकाल के देता है, वो एक बेसिक कोई भी और फील्ड का बंदा नहीं बता सकता. हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वो चीज, हमें बेसिक्स पता है कि कैसे कोड रन हो रहा है, कैसे कंपाइल हो रहा है, कैसे इंटरप्रिट हो रहा है, तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं. तो हमें जो बेस सिखाया जा रहा है उसको यूज करके हम कोई भी फील्ड में जाए, दैट्स अप टू अस, है ना. तो वो चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना. आई थिंक वही हम उतने ही मेंबर्स हैं. यस स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेरी फ्रॉम सुभाषेश.
Yes, anyone have any type of queries, please ask. My only question is, what will you look for if you are in the position hire new graduates if you are unwise? Right. चलो मैं इस पॉइंट में ये भी बता देता हूँ कि मैं हायरिंग करता हूँ, हायरिंग भी करता हूँ एज ए एस आर, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज भी लेता हूँ. मैं बेसिकली ये देखता हूँ कि एक इंटरव्यूज के टाइम में कि वो सीखने के लिए कितना, क्योंकि एक ग्रेजुएट या फिर जो भी एक जब सीवी लेके आता है, एक फ्रेशर आता है, तो वो सीखने के लिए कितना इंटरेस्टेड है और जो भी स्किल्स में आया है क्या वो सच में उस स्किल को लेना चाहता है या फिर ऐसे ही सिर्फ सैलरी के लिए या फिर सिर्फ ठीक है अर्निंग के लिए आया है. बेसिकली मैं जो भी बंदा मेरे पास हायरिंग के लिए आता है, कुछ भी कोई भी फ्रेशर आता है, अगर मैं पहले उसको ये जज कर लूँ ना कि वो उस स्किल के लिए आया, सीखने स्किल में सीखने के लिए आया या फिर ऐसे ही बस अर्निंग के लिए आया, अर्निंग सोर्स को बनाने के लिए, तो वो मैं जज करता हूँ बेसिकली. सपोज मैं अभी बात करूंगा, मैं अभी डेवलपमेंट में अगर हायर करना चाहता हूँ किसी भी फ्रेशर को, मैं देखूंगा कि सपोज मैं पीएचपी में हायर कर रहा हूँ, पीएचपी एक ओल्ड लैंग्वेज है, खत्म हो रहा है, उसका ट्रेंड खत्म हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कुछ शायद न्यूज पोर्टल से जो पीएचपी यूज करते हैं, अदरवाइज और कोई यूज नहीं करना चाहता, पीएचपी बहुत ओल्ड टाइप लैंग्वेज हो गया है, बट उसमें अगर वो आ रहा है एक फ्रेशर, वो क्या सोच के आ रहा है, कुछ तो उसके दिमाग में होगा कि हाँ ये पीएचपी में ये सीखना चाहता हूँ वो सीखना चाहता हूँ, तो वो मैं जज करता हूँ. अगर वो सिर्फ ये चाहता होगा कि ठीक है सर एक दो साल के लिए अर्निंग होगी फिर कोई और फील्ड में चला जाऊंगा, तो वो मेरे लिए गलत होता है क्योंकि उसको हायर करना मैं प्रेफर नहीं करूंगा. सेकेंडली अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, सपोज डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड है, उसमें भी मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे आजकल हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे हो गया जैसे कि इंजीनियरिंग के बाद अगर मैं बड़ा फील्ड बताऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अगर कुछ नहीं हो रहा तो डिजिटल मार्केटिंग में चला जाते हैं. ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन आपके पास स्किल्स कितने हैं? सिर्फ फेसबुक में चार पोस्ट करने से, गूगल में दो एड्स चलाने से या फिर ईमेल दो चार करने से आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो जाते. बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन रेटिंग्स टू प्रोडक्ट रेटिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सीखना पड़ता है, बट आप सीखने के लिए कितना आपके पास अपॉर्चुनिटीज है और आप कितना ट्राई कर रहे हो उसको सीखने के लिए, मैं वो देखता हूँ बेसिकली. सर व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट यू फेस इन योर स्टार्टिंग कॉर्पोरेट लाइफ? हाँ ये जरूर सही क्वेश्चन होगा. अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो फर्स्टली आपको टोटली एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि हम जब कॉलेज में होते हैं क्या होता है, बंकिंग या फिर टाइम पास, इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे चीज, पढ़ाई मेजर नहीं करना, ठीक है पेपर के पहले, पेपर जब आ रहे हैं दो दिन पहले ही पढ़ाई करके तैयारी कर ली, वो हो गया, क्योंकि वो तो इंजीनियर्स लाइफ का वो मेजर पॉइंट होता है, तो वो सब चीज़ हमारे मतलब एक्वेंटेड हो गए होते हैं लास्ट चार साल. जब आप रियल लाइफ में आते हो ना, आप जो पहले तो जो पढ़ रखे होते हो वो आपको मार्केट में नहीं मिलता, मार्केट में डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करनी होती है, और प्रैक्टिकल वो नहीं जो आप लैब में बैठ के वो कोडिंग कर रहे होते हो या फिर एक प्रोग्राम लिख दिए होते हो कि ठीक है स्वैप कैसे करना है, नंबर सी कैसे करना है, वो प्रोग्राम नहीं है, टोटली डिफरेंट, आपको पूरा अलग फील्ड दिया जाएगा, अलग चीजें दिया जाएगी, वो बिल्कुल आपको खुद से ही लर्न करना पड़ेगा. उस टाइम पे आपको बेसिकली देखना है कि मैं जो मेरे पास में पढ़ रखा हूँ उससे कितना ग्रैब कर सकता हूँ, वो चीज आपको देखनी है. देन सेकेंड आपको किसके लिए आप काम कर रहे हो, बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्किल के लिए काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने के लिए काम करते हैं, आपको उनमें से चूज करना पड़ेगा मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ. मैं पहले ही बता दूं, अगर अभी से पैसे को देखने लग जाओगे तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी. आपको एटलीस्ट जब आप बीटेक ग्रेजुएट हो रहे हो या फिर एमटेक ग्रेजुएट हो रहे हो, आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल एटलीस्ट आपको सीखने में लगाना होगा, आपको कोई एक स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देन यू कैन सी यू टू योर मनी कि ठीक है मैं पैसे के लिए काम करूंगा. लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप पैसे के लिए काम करने लग जाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना है फ्यूचर में, क्योंकि अभी पूरा एक रिवोल्यूशन हो रहा है आईटी सेक्टर का, और उसमें आपको आगे वो स्किल्स रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी मार्केट में जो आप लेके आओगे, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन में चल रहा है, सब कुछ AI ML पे चल रहा है, तो उसमें आप प्रॉब्लम फेस करोगे. एनी अदर क्वेश्चन? Hi, yes, students. Anyone having any queries? Kindly come up. Higher studies or placement? It's up to you. It's up to you, Manish. Actually, क्या होता है? Higher studies भी कुछ ना कुछ objective आपका होता है. Objectives को लेके ही आप higher studies करते हो. ऐसा तो नहीं आप without any objectives आप कुछ कर रहे हो. हायर स्टडीज कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं जो जिनको लेक्चरर लाइन पे पसंद है या प्रोफेसरिंग लाइन में पसंद है, तो वो भी करते हैं.
हायर स्टडीज ऑब्वियसली अच्छा होता है क्योंकि आपको बहुत कुछ गेन होता है, जो भी को बहुत कुछ नॉलेज गेन होता है, बट प्लेसमेंट इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. इसमें आप रियल वर्ल्ड में आते हो, आप रियल मार्केट में आते हो, आप वहाँ पे काम करते हो या कुछ भी करते हो. हायर स्टडीज और प्लेसमेंट का कोई कंपेरिजन नहीं है, बट इट्स अप टू यू कि आपको क्या चूज करना है, आपको क्या अच्छा लगता है, पढ़ना या फिर काम करना. ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस व्हाट मेजर स्किल्स कंपनी सी इन ए पर्सन. यस, स्किल्स की अगर बात करूँ तो जिस प्रोफाइल में आपने अप्लाई किया ऑब्वियसली उसी प्रोफाइल में आपको देखेंगे कि क्या स्किल्स आप में. सपोज मैं बात करूँगा डेवलपमेंट में उन्होंने आपने डाला है, तो अगर आप फ्रेशर हो और डेवलपमेंट में सपोज आपने जावा में डाला है या फिर आपने पीएचपी में डाला है, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको पीएचपी कितना जल्दी लिखने आता है या फिर कोई एक प्रॉब्लम कितने जल्दी आप बग कितने जल्दी क्लियर कर सकते हो. वो बेसिक ही पूछेंगे आपको, सी से पूछेंगे, सी सी प्लस प्लस यही बेसिक पूछेंगे आपको. फंडामेंटल कितना क्लियर है वो देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आपको पीएचपी कितना जल्दी प्रोग्राम करके दिखा रही हो या जावा कितना जल्दी प्रोग्राम करके दिखा रही हो. क्योंकि आपको अगर फंडामेंटल क्लियर है ना, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ा दिया जाए आप करके दिखा दोगे. तो ये पॉइंट होता है बेसिकली. तो स्किल्स अगर बात करूँ, कोई एक जिस स्किल पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी एक सीवी में अगर आप पॉइंट लेके आ रहे हो, तो सीवी में भी आप मेंशन करो कि उसका क्या क्या आपको आता है. लाइक मैं बात करूँगा पाइथन में, पाइथन में डिजांगो होता है या फिर जो भी ये चीजें जो बेसिकली होती है, वो चीज आपको मेंशन करना होता है और उसी पे ही आप फोकस करना कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसी पे ही आपका इंटरव्यू ले. तो आप उसी पे फोकस करो और सब कुछ एक ही स्किल में लगा दो, आपको मल्टीपल स्किल्स दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. In a market, which type of technology running nowadays? Rohit, there is a lot of technologies. तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर ये टेक्नोलॉजी चल रहा है. लाइक मैं अगर अभी की बात करूँ, ठीक है, पाइथन का ज़्यादा बूस्टअप है क्योंकि पाइथन बहुत छोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत छोटे लाइन ऑफ कोड्स में वो टास्क कंप्लीट कर देता है और थोड़ा बूस्टअप भी है. बट बहुत सारे टेक्नोलॉजी से आप ऐसे पर्टिकुलर चूज नहीं कर सकते. बट आप हाँ, अगर ट्रेंड के लिए जाते हो तो आप फंडा अगर क्लियर रखोगे, लाइक आप अगर पढ़े होगे थर्ड सेम या फोर्थ सेम में डेटा स्ट्रक्चर होगा, वो सब अगर फंडा क्लियर रखोगे ना, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ा दिया जाए आपको पता होगा. क्योंकि आपको अगर ये पता है डेटा पिंग कहाँ से हो रहा है, फेच कहाँ से हो रहा है और डाटा प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, देन यू कैन रन एनीथिंग, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट ए सॉकेट, यू जस्ट हैव टू नो कि वो आ कहाँ से रहा है और जहाँ कहाँ पे रहा है. सॉकेट तो कोई भी आपको दे दिया जाए, आप बस फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज करना है, दैट्स ऑल. सर, कैन यू लर्न न्यू स्किल्स ड्यूरिंग आवर जॉब्स इन द कॉर्पोरेट फील्ड, बिकॉज मे बी द टाइम व्हिच विल बी द मेजर कंसर्न इन द जॉब ड्यूज. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आप बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हो, बहुत सारे. मैं जब भी जैसे बताया, जैसे कि फ्रेशर कंपनी जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं ना, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं स्किल्स सीखने के लिए. बट हाँ, जैसे आप कॉलेज लाइफ में सीखते हो ऐसे तो आपको टाइम नहीं देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पे कर रहे हैं वो आपको जॉब पे काम करने के लिए. बट हाँ, आप सीख सकते हो. मैंने तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 3-4 साल से, मैंने तो बहुत स्किल मतलब ऑफिस टाइम ही सीखा है. राइट नाउ मैं जिस ऑफिस में भी हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे स्किल्स सीखता हूँ. बट हाँ, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि इतना तक है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिसिंग हो रहा है, वो सब सीख सकते हो. बट जो न्यू स्किल सीखने की जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो आपको स्टार्टअप कंपनीज में मिलेंगी. अगर आप सोचोगे कि मैं एक एमएनसी में बैठा हूँ और वहाँ पे एक न्यू स्किल गेन करूंगा, बहुत रेयर चांसेस है. बट स्टार्टअप में सीखने देते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज सही, क्योंकि वो जो मैन पावर है वो कम मैन पावर में पूरे ब्रांड को मैनेजमेंट करना चाहते हैं. तो वो चाहते भी है कि आप कोई न्यू स्किल सीखो और यहीं पर यूटिलाइज करो आपको. और आपके लिए वो बेनिफिट क्या होता है, आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है यूज करने के और आपको टाइम भी मिल जाती है. तो उसके लिए आपको स्टार्टअप चूज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली हमेशा. गाइस, और एक चीज मैं अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि बहुत बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है जो मैं बेसिकली देखता हूँ, जो फ्रेशर बच्चे आते हैं, लाइक जितने भी मेरे को कॉलेज से भी बहुत बच्चों का, बहुत जूनियर बच्चों का या फिर इनका फोन आया है, अपना रिज्यूमे और सीवी जो है ना वो सही से प्रिपेयर करो. सही से मतलब मेरा मतलब ये है कि एक ही स्किल में प्रिपेयर करो. बहुत मैंने बच्चे देखे हैं कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देते हैं कि हमने ये भी कर रखा है, हमने ये भी कर रखा है. आपको अभी लगता है कि वो बहुत सारा है और आपको शायद बेनिफिट्स मिलेगा. नंबर का बेनिफिट्स नहीं होता, क्वालिटी का बेनिफिट्स होता है. क्वांटिटी आप कितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि
जो क्वालिटी होता है वो बेस में ही होता है, तो वो अगर क्लियर है ना आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो। तो अपने सीवी या रिज्यूमे जब बनाते हो कोई भी एक फर्स्ट कंपनी के लिए, और इंस्टेड ऑफ एमएनसी अगर आप एक स्टार्टअप कंपनीज के लिए बना रहे हो तो सही से उसको प्रिपेयर करो, एक ही स्किल में प्रिपेयर करो, सो दैट वो भी देख पाए कि आप कितने क्लैरिफाई हो उस स्किल को लेके। सर आई डोंट लाइक कोडिंग, सो मैं कौन से फील्ड में जाऊँ? अजय, अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है, अगर आपको बेस क्लियर है और आप अगर सीसी में ही है, तो आप बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें जा सकते हो, लेकिन आपको पहले इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा किसमें आपको इंटरेस्ट है। कुछ तो आप में स्किल होगी जो आपके स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं एक्सेप्ट कोडिंग, उसमें भी जा सकते हो। लाइक आप डिजाइनिंग में भी जा सकते हो, डिजाइन भी कुछ छोटा फील्ड नहीं है। आप HTML, XML, Android डिजाइनिंग, AI डिजाइनिंग, बहुत सारे ऐसे हैं उस पर जा सकते हो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको कोडिंग ही करनी है। हर्षित, हाउ डू वी कैन चूज बिटवीन टू स्किल्स, मीन्स माई इंटरेस्ट इन ML एंड साइबर सिक्योरिटी, देन हाउ कैन आई चूज बिटवीन दीज टू टू गो फॉर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? इंटरव्यू के टाइम पे तो स्किल नहीं चूज किया जाता, इंटरव्यू के पहले चूज किया जाता है कि आप किसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। ऑब्वियसली ML एक बहुत अच्छा फील्ड है, बट आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि ML में अभी बहुत सारा मेहनत भी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये बेसिक लैंग्वेज की तरह नहीं है, क्योंकि आपको बेसिकली इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी अच्छे से आना चाहिए, जितना तक हमारे इंजीनियर्स की हालत होते हैं कि मैथ में हम इतना अच्छा नहीं होते, बट उसमें भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड साइबर सिक्योरिटी, हाँ साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा फील्ड है। मैं भी जो HCL में चूज हुआ था, मैं भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ही चूज हुआ था, तो वो एक अलग चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी और ML का कोई लिंक नहीं है। ML के लिए आप पढ़ सकते हो, कंटिन्यूसली पढ़ते पढ़ते आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब वगैरह कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट ये कोई मैच नहीं होता है स्किल्स के, ठीक है? तो इंटरेस्ट किसी एक में आपको पहले जनरेट करनी पड़ेगी। ML में ऑब्वियसली आपको अगर एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग हो तो आप ML चूज करो, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें नेटवर्किंग वगैरह आप अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से आप ग्रोथ कर सकते हो आप उस स्किल में। आई थिंक हर्षित फाइनल ईयर में हो ना, एज अ फाइन हो? ही इज सेकंड ईयर स्टूडेंट। ओके ओके सर, एनी वन लैंग्वेज दैट हैव कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग प्लेसमेंट? रिया, देर इज नो सच लैंग्वेज, बट हाँ एक आधा लैंग्वेज है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। लाइक अभी अगर मैं बात करूँ पाइथन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन हाँ आप उसको टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होना पड़ेगा उस पर काम करने के लिए, बट हाँ वो थोड़ा सा अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स उसके आते हैं। बट फ्रेशर भी बहुत कम प्रीफर करते हैं वो, क्योंकि उनको भी चाहिए होता है, क्योंकि सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती है पाइथन डेवलपर्स की, तो आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी करना होगा। गाइज मैं और भी एक आपको टिप्स दे सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ जॉब्स एक दो ही फील्ड में यूज होता है, लाइक अगर मैं बात करूं आप एज ए खुद से ही ट्रेनिंग ले लो, कोई बाहर जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक डुकेट होता है, वो प्रेफर करते हैं ना, आपको एमएनसीज में जाके बेसिकली ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस नहीं करना पड़ता, आपके बेसिक सर्टिफिकेशंस होता है जैसे कि आपके टेस्ट लेते हैं, सर्टिफिकेशंस होता है, देन यू कैन रन। निशांत सर, फॉर डिजाइनिंग व्हाट इज मार्केट डिमांड्स एंड व्हाट द प्रोसेस एज आई एम इंटरेस्टेड बट आई एम नॉट फुल्ली क्लियर अबाउट दैट एज इन डेवलपमेंट। निशांत, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग टोटल डिफरेंट है, बट हाँ
विदाउट ए डिजाइनिंग देर इज नो डेवलपमेंट. डिजाइनिंग में आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको कोई आइडिया चाहिए, बेसिकली इंस्टेड ऑफ HTML यू कैन गो फॉर XML जो कि अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है. अदरवाइज यू कैन गो फॉर AI लाइक जो कि हमारे सब सभी में लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्रॉयड iOS हर किसी में यूज़ हो रहा है. आप उनको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, थोड़ा ट्राई करो कि XML वगैरह, क्योंकि HTML बहुत बेसिक है. ठीक है, HTML CSS आपको तो सीखना ही पड़ेगा, हर किसी को जानना चाहिए उसका तो, बट एक्सेप्ट दैट थोड़ा प्रोफेशनल बनने के लिए आपको XML थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. उस पर आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि डिजाइनर की कमी बहुत ज़्यादा है मार्केट में मैं अगर बताऊं तो अभी, तो वो आप ट्राई कर सकते हो. अमन, क्वेश्चन फ्रॉम माय फ्रेंड्स दैट एनी स्पेशल कोर्स सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग विल हेल्प फॉर गेटिंग ए जॉब और बेसिक नॉलेज विल वर्क. डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मार्केटिंग कभी भी आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा, जस्ट यू हैव टू हिट एंड ट्रायल. आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है, आप यहाँ पे कुछ ट्राई करते हो, उसमें से कुछ रिजल्ट्स आते हैं, देन यू कैन लर्न. ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहा है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर आपको बेचते हैं बहुत सारे बुक्स या फिर वो बेचते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में एड्स आते रहते हैं, बट वो क्या होता है ना, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उससे. ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, बट आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट योर ओन पैनल्स लाइक ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, गूगल एनालिटिक्स, आपको खुद से ट्राई करनी पड़ेगी. लाइक एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, GA4 GA3 गूगल एनालिटिक्स का एक अपडेट था GA3 जो कि बहुत दिन से रन हो रहा था, अभी GA4 अपडेट हुआ है लास्ट 6 महीने 8 महीने से. तो वो जितना भी लास्ट 6-7 साल से जो मार्केटिंग फील्ड में थे, जो सीख रहे थे, उनका टोटली वैनिश हो गया, क्योंकि वो टोटल अपडेट लाया, अलग टाइप के उसका सारे कुछ मीडियम्स कर दिया है. तो वो खत्म हो जाती है एक्सपीरियंस फिर वहीं पे. तो आपको फिर क्या करना होता है, फ्रॉम स्क्रैच यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू लर्न. जो भी आप ट्राई कर रहे हो, क्या आ रहा है रिजल्ट, उसी से ही आप सीखोगे. तो मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग टोटली बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंट. आप कोई भी ये नहीं कर सकता कि मेरा ये काम कर रहा है तो सबके लिए काम करेगा, नहीं कर सकता. अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मार्केटिंग फील्ड्स होते हैं. लाइक कहीं पे फेसबुक काम करता है, कहीं पे गूगल काम करता है, कहीं पे ईमेल काम करता है, तो वो भी आपको चूज करनी पड़ेगी. तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं एक सर्टिफिकेशन कर दिया या फिर एक बुक अगर पढ़ लिया तो मेरा हो गया. डिजिटल मार्केटिंग आपको खुद से ही ट्राई करनी पड़ेगी. खुद 1-2 साल लगाओगे तो आपको पता चलेगा क्या स्किल्स और जनरेट करने और क्या मैं कर सकता हूँ उस पर. निखिल, हेलो सर, सो आई एम फेसिंग माय डिस्ट्रैक्शंस मे बी ड्यू टू एनवायरनमेंट चेंज फ्रॉम कॉलेज टू लाइव एक्सपोजर टू मार्केट, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन बिगनिंग. डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ के लिए, अगर आप बेसिकली ये सोच रहे हो कि कॉलेज लाइफ में बहुत मतलब कंफर्टेबिलिटी था और जब मार्केट में आ रहे हो आपको बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ रहा है, तो ये तो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर ही बता सकते हैं. मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, बट हाँ यही लाइफ है. आपको डिस्ट्रैक्शन फेस होगा, अभी बहुत सारे आपको प्रेशर्स आएंगे, आपको प्रेशर वो सारा मैनेज करना पड़ेगा. कैसे काम, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम होमवर्क टू ऑफिस वर्क, आपको सब कुछ वो मैनेज करना पड़ेगा. बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे, बहुत सारे टास्क आएंगे, कौन सा टास्क कैसे रन होना है वो सब आपको देखना पड़ेगा. बट यही कंफर्टेबिलिटी खत्म होती है यहीं पे. कॉलेज लाइफ आप जितना एंजॉय करना होता है वहीं एंजॉय कर जाते हो, फिर जब जैसे ही आप पास आउट होते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका मतलब पेपर, वहीं से स्टार्ट हो जाता है असली पेपर, तो वहीं से स्टार्ट होता है. तो डिस्ट्रैक्शन आप ऐसे कर सकते हो, आप एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हो कि क्यों मैं यहाँ पे हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ. वो ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर है देन आप डिस्ट्रैक्शन नहीं फील करोगे. अमन, विल इंटर्नशिप हेल्प इन गेटिंग जॉब. हमन, हाँ इंटर्नशिप कर सकते हो. जॉब पाने के लिए मैं तो नहीं बोलूंगा, जॉब ठीक है मे भी हो सकता है, जॉब पाने के लिए हो सकता है, बट इंटर्नशिप क्या होता है ना, एक आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है, एक कोई भी फील्ड का एक्सपोजर मिल जाता है, कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ का. आप जाके जब बैठ के कुछ एम्प्लॉयज के साथ काम करते हो, ठीक है अभी की सिचुएशन में तो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो सिचुएशन नहीं है इतना कंफर्टेबल, बट स्टिल जब आप अगर नॉर्मल, जब नॉर्मल कंडीशन होगा, जब आप जाके 10 एम्प्लॉयज के साथ बैठ के जब एक इंटर्नशिप में काम करते हो, तो उस पर क्या होता है ना, आपको एक एक्सपोजर मिलता है एक कॉर्पोरेट लाइफ का, कैसे काम करने वाले हो आप आगे, उस चीज़ का मिलता है. तो ऑब्वियसली उसका तो करो. बहुत सारे मैंने बच्चे ये देखे जो प्रीफर करते हैं कि इंटर्नशिप में कुछ अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाए. अगर आपको स्किल वहाँ पे डेवलप करने स्टाइपेंड को मत देखिए. आपने इतने सारे पैसे अगर 3-4 लाख 5 लाख खर्चा करके आपने बीटेक किया है, तो वहाँ पे आप 3-4 महीने अगर 15-20 हज़ार के लिए अपने आप को रोक दोगे ना, तो आप बहुत नुकसान कर रहे हो अपने आप को. तो इंटर्नशिप कहीं भी मिलता है. हाँ ट्राई करो कि इंटर्नशिप एक अच्छी जगह करने के लिए, कोई MNC बड़े कंपनी में नहीं, छोटा कंपनी में, स्टार्टअप में करने के लिए. मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोई भी
आप अभी अपने फ्रेशर लाइफ से निकलते हो ना, स्टार्टअप कंपनी में प्रेफर करो, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे वो जॉब हो, क्योंकि वहां पे ना बहुत बहुत अच्छा आपको एनवायरमेंट मिलता है इन केस ऑफ लर्निंग, क्योंकि वहां पे हर कोई लर्निंग फेज में ही होता है, क्योंकि जो उनका फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सीईओ टिल एग्जीक्यूटिव सब सोच रहे होते हैं ये कल को क्या करेंगे, क्योंकि उनको एक जगह जाके पहुंच रहे हैं, उनके एक ऑब्जेक्टिव होती है। तो वहां पे जब आप एक उनके टीम में जाते हो ना, तो आपको भी एक उनको देख के ना एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है मैं ऐसे काम करूंगा या फिर ऐसे करना है, ये कर रहे हैं, तो वो चीज मिलती है। लेकिन एमएनसीज में क्या होता है ना, सब कुछ सॉर्टेड होता है, तो वहां पे क्या है ना, आप 3-4 साल बाद अपने जॉब लाइफ के वहां पे जा रहे हो तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएनसीज में एंड ऑफ द डे आपको यही करना है कि ठीक है जॉब सिक्योर है, ये है वो है, सैलरी मिलती है बस। लेकिन सीखने के लिए आपको 3-4 साल पहले स्टार्टअप कंपनीज में लगाना है, तो वो चीज इंटर्नशिप में वहीं पे भी प्रिफर कर सकते हो 2-3 महीने 4 महीने के लिए, चाहे स्टाइपेंड मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, ठीक है आपका अगर बैकग्राउंड कंडीशन अगर खराब है तो स्टाइपेंड अगर आप ढूंढ रहे हो ठीक है, बट स्टिल ट्राई करो कि विदाउट स्टाइपेंड कहीं पे भी इंटर्नशिप फ्री में भी मिल जाए, आप वो कोशिश करो। सर कैन यू सजेस्ट सम रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स इन आईटी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? मार्केट ट्रेंड मैं अगर पूछूंगा ना, मैं खुद भी बताऊं, मैं खुद के जो प्रोफाइल है वो भी मैं कभी कॉलेज लाइफ में नहीं सुना था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक फील्ड होती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री होती है। मैं भी यही आके मार्केट में सीखा हूं कि ये कितना वास्ट इंडस्ट्री है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी तक डेवलपमेंट नहीं टच किया, बट एक डेवलपमेंट होगा कैसे वो सब मैं गाइड कर सकता हूं। डिजाइनिंग मैंने टच नहीं किया, बट कैसे डिजाइन होगा वो भी मैं गाइड करूंगा। तो वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अगर आप अभी देखोगे जितने भी स्टार्टअप कंपनीज आ रहे हैं, यू मस्ट नो अबाउट क्रेड, जो क्रेड ऐप है लाइक जो क्रेडिट कार्ड के लिए है, या फिर आप जोमेटो देख रहे हो, स्विगी देख रहे हो, जितने भी उनके सीईओज हैं प्रीवियसली दे वर प्रोडक्ट मैनेजर इन एनीवेयर इन कंपनीज, तो वो वहां से सीख के अपनी कंपनीज या फिर अपने एंटरप्रेन्योरशिप में काम किए, तो वो चीज ये एक बहुत बड़ा मतलब मैंने ट्रेंड देखा है। सेकेंडली पाइथन में और AIML में ऑब्वियसली उसमें स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होंगे, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, बट हाँ उसका भी ट्रेंड बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल हर कोई सोच रहा है ऑटोमेशन लगाने का, क्योंकि मैन पावर में लोग कम खर्चा करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सब कुछ ऑटोमेशन में चलाना चाहते हैं, तो वो चीज पे भी फोकस आपको करनी होगी कि वो ट्रेंड कैसे जा रहा है, तो उसको भी आपको काम करना होगा। बाकी रियल वर्ल्ड में तो ऐसे ही है, यही चीज है। आप ज्यादा प्रिफर मत कीजिए कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप ये प्रिफर कीजिए कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं कितना क्लियर से कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज आप सी सीख रहे हो, सी प्लस प्लस सीख रहे हो, उसमें जो फंडामेंटल है आप उसको लेके कहाँ यूज कर रहे हो, ये इस पे काम करिए। सर कैन यू सजेस्ट सम रिसेंट, अच्छा ये हो गया रिया सर, व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? इम्पोर्टेंस क्या बताऊँ, अभी मैंने जैसे बताया उस पर आप अगर खुद से ही ट्रेनिंग करते हो तो उसमें अच्छा है, इम्पोर्टेंस उसी में ही अच्छा है। ऑफिस जो MNCs देते हैं वो अपने ही ब्रांड प्रेफरेंस देते हैं कि उनका जो काम है उसी को प्रिफर करके आपको कैसे स्किल्स देने, सिर्फ उसी के लिए आपको खत्म कर देते हैं, तो आपको बाहर से लेना के इम्पोर्टेंस है, बट जो ऑफिस में देते हैं या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में देते हैं वो आप प्रेफर मत कीजिए, ये इम्पोर्टेंस है। बट हाँ अच्छा है, सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है ठीक है, आपके रिज्यूमे में कुछ ऐड हो जाता है, दैट्स अ बेनिफिट फॉर यू। Amar, I learn ethical hacking course nowadays. After the completion of course, how many company will provide internship for ethical hacking for practice and get into profession? Amar, मेरे को बिल्कुल भी knowledge नहीं है ethical hacking का, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी, मैं इस field में कोई भी exposure नहीं मिला मेरे को, ना मेरे को इतना थोड़ा बहुत interest भी बिल्कुल इतना नहीं था, but you can try. मैं इसमें कोई भी point भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें मैं कोई भी मेरे को experience नहीं है। Is there any opportunity of Python developer for intern or job for freshers? हाँ बहुत सारे opportunities हैं, यहाँ तक कि मेरे खुद के पास भी मैंने सारे, अगर मेरे साथ कोई WhatsApp या फिर LinkedIn में कनेक्ट है, if you guys know, मैं बहुत सारे openings ऐसे भी रखता हूँ, like Python में भी मेरे पास अभी भी opening है, you can try me on, ping me on LinkedIn, मेरे पास opening है। लेकिन हाँ skills आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए एज अ फ्रेशर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल, बट एज अ फ्रेशर यू मस्ट हैव लाइक अ गुड काइंड ऑफ स्किल, फिर मैं कंसिडर करूंगा आपको। सर वेस्टिस नेटवर्क मार्केटिंग का बारे में क्या सोचते हो बताओ? मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बेसिकली एक फ्रॉड ही होता है, जैसे कि क्योंकि आपके एक प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, आप जबरदस्ती किसी को बेच रहे हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बट ठीक है अगर आपको इंटरेस्ट है आप कर सकते हो, मैं प्रीफर नहीं करता इतना नेटवर्क मार्केटिंग।
What's the major skill required to start the journey as a product manager? Major skill इसमें अगर मैं बताऊँ ना तो आपको ideas कि आपको कितने जल्दी एक idea आया। Product manager basically क्या होता है, आपको एक idea create करना पड़ता है, वो idea के ऊपर आपको काम कराना है, आपको development, designing and सबको coordinate करके काम कराना है। तो आपके पास ideas कितने जल्दी आते हैं और idea को successful करने के लिए आपके पास क्या, आपके पास plan है या क्या आपने road map बना रखी, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो उस पर ये भी होता है, जैसे कि बेसिकली अगर मैं डेवलपर फील्ड या डेवलपमेंट फील्ड को बताऊँ ना, उनको डायरेक्टली पता नहीं होता कि किस पे काम करना है, उनको बस चाहिए कि हाँ हमें बस टास्क दे दो, ये रन करना है, ये प्रोग्रामिंग बनाना है, बस खत्म है। उनको ज़्यादा नहीं चाहिए कि कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे रन करेगा मार्केटिंग, उनको ऐसे कुछ आइडिया नहीं होता। तो उस पर आपको ही सारा अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उनको भी समझाना पड़ता है कि ये करना है, ऐसे प्रोग्राम बनाना है, ये टास्क करेगा, ये कंप्लीट करने के बाद ये सारा जो गाइड है ना ये आपके पास होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनिंग टू डेवलपमेंट एंड एनीथिंग। क्योंकि आप ही उनको ऑब्वियसली बताओगे कि सपोज एक वेबसाइट है, सपोज मैं बात करूंगा, मेरे अगर मैं खुद के प्रोडक्ट बात करूँ, मैं एक CMS बनाया हूँ, एक ट्रैवल CMS बनाया हूँ flytap.com। अगर आप उसमें देखोगे ट्रैवल एजेंट के लिए मैंने ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनाया था कि एक ट्रैवल एजेंट अपने दिन भर में क्या क्या काम करता है, लाइक वो अपने पास, उसके पास ट्रैवल लीड्स आते हैं, उनको मैनेजमेंट करता है, उसके पास बहुत सारे होटल्स होते हैं जिनको वो फ़ोन करके अपने लीड्स को होटल दिलाता है, और बहुत सारे साइट सीइंग होते हैं, वो सब करता है। अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल टेक्निकल में जाओगे तो पता चलेगा आपको। तो वो क्या क्या उसमें ऑप्शन हो सकता है, आप flytap में जाकर ट्राई कर सकते हो, flytap.com मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये वाला, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कि क्या उसमें बेसिकली होता है। तो ये एक मेरा खुद का प्रोडक्ट था, तो ये प्रोडक्ट मैंने बनाया था, मेरे पास तो आइडिया था ठीक है कि इसको एग्जीक्यूट करना है, मैं एक ट्रैवल एजेंसी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, बट उसको बताना कैसे है, डेवलप को कैसे बतानी है। तो वो जो टास्क है ना वो बेसिकली मेरा है, क्योंकि एज ए प्रोडक्ट मैनेजर मेरे को ही उनको समझाना है कि ये कैटेगरी होगा, ये मॉड्यूल्स होंगे, इस पे ये सब टास्क रहेंगे, तो वो मेरे को समझाना है। तो वो ही होता है स्किल। अब इसमें देख लो आपको कौन सा स्किल आपको लगता है कि आपका ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसी पे काम करो। यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो अभी प्लेस्ड हो गया है? थैंक यू रोहित फॉर गाइडिंग अमर, आई थिंक मेरे को उस पर आइडिया नहीं था, आई थिंक रोहित को कुछ आइडिया है, अमर वो कुछ आपको पिंग कर रहे हैं, यू कैन चेक आउट दैट गाइज। और कुछ क्वेश्चन या फिर और कुछ आपके पास कोई क्वेरीज है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं बताइए, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है, जैसे कि सर ने भी बताया कि मेरे को फर्स्ट टाइम ही इन्वाइट हुआ है, तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है कोई ऐसे एलुमनी टॉक में आना, मैं इससे पहले हालांकि बहुत सारे स्पीकिंग कोर्स में जा चुका हूँ, बट मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को भी नहीं पता, मैं भी ब्लैंक हूँ कि क्या बात करनी चाहिए आपके साथ। Yes, students, if you have any query, you can ask. Rather than just typing in the chat box, you can directly unmute yourself and communicate with Suvashish directly. हेलो सर। हेलो सर, आप जैसे आपने भी बताया कि आप पाइथन डेवलपर्स के लिए भी ओपनिंग है आपके यहाँ पे, तो आप क्या क्या स्किल्स देखते हैं जैसे फ्रेशर के लिए पाइथन डेवलपर में क्या क्या स्किल होनी चाहिए? बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर है, हम पाइथन से ज़्यादा आपके फोकस करते हैं कि आपके बेसिक कितने क्लियर है, कि आप एक सी प्रोग्राम ढंग से लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, आपको डेटा टाइप्स पता है नहीं पता है, आपको इनिशियल सिस्टम पता है नहीं पता है। देन अगर बात करें पाइथन की, ठीक है आप किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, डिजाइन में काम कर रहे हो, उसकी मेरे पास अभी ओपनिंग डिजाइन होता है, तो डिजाइन होकर आपको क्या नॉलेज है, वो सारे मैं बेसिकली देखता हूँ। मैम मेरा एक टीम भी है जो वो भी स्टडी करता है आपको, तो फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट देता है, छोटा मोटा आपको एक प्रोजेक्ट देता है एक दो दिन के लिए,
उस पर आप क्या काम कर रहे हो? ऑब्वियसली मैंने एक हायर किया था, शायद कपिल सर को पता होगा, जो दो भाई थे नितिन एंड अमन, आई थिंक मेरे जो जूनियर, मैं उनमें से भी एक नितिन एंड अमन, यस यस, मैं उनसे भी एक नितिन को हायर किया था, आई थिंक उनसे भी मेरे बात हुई थी, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया भी था, ऑब्वियसली उनको शायद टाइम नहीं था, फिर कुछ भी कंफ्यूजन के लिए वो इतना नहीं कर पा रहे थे, शायद वो कहीं और भी एंगेज थे, बट उनसे भी मेरे बात हुई थी, दो दिन उनको भी कुछ प्रोजेक्ट दिया था मैंने, उनसे भी काम करा रहा था, सो यू कैन ट्राई, मेरे को पिंग कर देना लिंक्डइन पे, मैं शेयर कर दूंगा मेरी टीम के साथ, आपके साथ बात करें, कोशिश यू कैन शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल के सो दैट एवरीवन कैन कनेक्ट विद यू. आई वुड लाइक टू हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन के जैसा मैं क्लास में भी सभी बच्चों को हमेशा से बोलता आया हूं कि प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखिए आप, लैंग्वेज तो आ ही जाएगी, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, सो प्रोग्रामिंग सीखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो यू कैन क्रैक एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज तो सिर्फ एक बोलना है. देखिए अगर एग्जांपल से मैं बोलता हूँ, अगर मैं अच्छा बोलता हूँ, अगर मैं अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ तो आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश ऑल्सो, बट मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, दैट्स इट. मैं हिंदी में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में भी, मैं बांग्ला में भी, मैं सुवाशीष की जो लैंग्वेज है उड़ीसा, उड़िया बोलता है सुवाशीष, तो उड़िया में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ. सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि आप लैंग्वेज सीखने से पहले आप प्रोग्रामिंग सीखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखिए, तो उसके बाद यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. मुझे लगता है कि उसके बाद यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट कि किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, कि हाँ मुझे ये लैंग्वेज में काम करके अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा यस दिस इज माय कप ऑफ टी, तो उसमें आप फिर परस्यू कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. हो सकता है ये हर किसी स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके से काम करता हो, बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, आई होप स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व हो गई हैं. वन मेन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड के स्टूडेंट्स का मेन ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोग ज़्यादा जो पैकेज है उस पर फोकस ना करें. बीइंग अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट, आई हैव नोटिस दैट जिन कंपनीज का पैकेज जो लो होता है, स्टूडेंट्स उसमें बहुत कम इंटरेस्ट शो करते हैं. एंड जब मैं रीज़न पूछती हूँ तो यही होता है कि मैम 1.8 पैकेज है, इतने पैकेज है तो बहुत अच्छे में हमें मिल जाएगा एक और ऑप्शन. सो आई थिंक अब उन्हें क्लियर हो गया होगा कि पैकेज को ना देख के वो सिर्फ अपना स्किल्स देखें कि कहाँ पे उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, और जो काम वो चाहते हैं अगर वो कंपनी उन्हें ऑफर कर रही है तो उसके लिए वो रजिस्टर जरूर करें. ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये चीज पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसे ठीक है आज कमा लोगे, आज अगर आप 5 लाख के पैकेज ढूंढ रहे हो, कितने दिन तक 5 लाख के पैकेज में आप एग्जिस्ट कर सकते हो? आपको लगेगा शायद मैं इससे ज़्यादा बढ़ता ही जाऊँगा, बट क्या होता है एक टाइम में जाके आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगी, और शायद उसका फर्दर इंटरेस्ट या फिर फर्दर स्किल भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पैसे कमाने में ही लगा दिया टाइम, तो उसके बाद क्या करना है? तो अगर आप स्टार्टिंग में ही स्किल्स बना लोगे तो उसके बाद आपको उस फील्ड में अर्निंग मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास स्किल है, कंपनी ऑब्वियसली आपके पास आएगी, और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं. आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ठीक है अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो ऐसे 1.5 लाख 2 लाख वाले पैकेजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बड़े पैकेजेस हैं, बट उसके लिए स्किल्स लेवल हमारे पास शायद नहीं होगा, तो उस पर आपको उस रियलिटी पे आपको देखना होगा कि मेरे पास क्या वो स्किल्स हैं जो कंपनी ढूंढ रहा है. बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे के लिए ही काम करनी है, पहले कुछ आपको थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर देना है, उसके बाद आप पैसे के ऊपर फोकस कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई पैसे के लिए ही काम करेगा किसी के लिए, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा सुवशीष आपसे है, यू कैन गाइड द स्टूडेंट के आपने जैसे जैसी जो भी आपकी जर्नी रही है, 4 साल आप यहाँ पढ़ के गए हैं, सब्जेक्ट्स से गो थ्रू किया आपने, 40-42-45 सब्जेक्ट शायद पढ़ता है एक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट जो है बच्चा, उसके बाद में एक शायद एक माया जाल सा होता है इंजीनियरिंग का 4 साल का, जब जैसे ही आप इंडस्ट्री में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो वो एकदम से टूटता है कि अरे ये क्या. फिर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद सभी के साथ होता होगा, जो भी एक इंजीनियरिंग से निकल के फिर आप जब कंपनी ज्वाइन करते हैं, प्रोफेशनल लाइन में आते हैं, तो ऐसा एक मलाल एक कुछ रहता है कि भाई यस मैं, मतलब मैंने ये गलतियां कुछ कॉलेज टाइम में की है, जिस 4 साल में मैं इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकता था, थोड़ा और अच्छे से मैं कर सकता था, तो मैं वो चीज आज थोड़ा सा और बेटर मैं और कर पाता. तो मैं चाहता हूँ कि वो आपका जो
फीलिंग थी कि जो आपने फील किया कि जब आपने कंपनी ज्वाइन किया कि आपको क्या क्या फील आया कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था तो कॉलेज टाइम में, ताकि जो हमारे सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के पास तो ज्यादा समय नहीं बचा अभी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो आपसे आपका सजेशन लेके, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ अगर एक स्टूडेंट भी आपके सजेशन से कुछ ना कुछ चेंज कर पाया तो देट विल बी एन अचीवमेंट फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो। ठीक है, तो आप वो चीज एक बार शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो आप पॉइंट बोल रहे हैं वो मेरे साथ कल ही शाम को हुआ है, कल ही शाम और आज सुबह भी हो रहा है। मतलब मैं ऑब्वियसली मीटिंग से पहले वही प्रॉब्लम में फंसा हूँ और मैं वही सोच रहा था। बेसिकली हमें इफ यू गाइस नो कि हमारे थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में ही डीएस में सब्जेक्ट होता था सॉर्टिंग, एक होता था सॉर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग पढ़ाया जाता था ना, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, डिलीशन सॉर्ट। तो अभी सुबह ही हम एक सॉकेट पे काम कर रहे थे जिसपे क्या है, हमें एक डीबी से डेटा फेच करना है, देन उसको पांच जो आईडीज हैं, पांच आईडीज में हमें थ्रो करना है। तो हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज वहां पे आगे कंडीशन लगा हुआ है कि सपोज एक एक्स एक्स टाइप एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू है या फिर वाई है, तो उसपे क्या हो रहा था, मैं जब डेटा थ्रो कर रहा हूँ तो एक जगह ऐसे आ रहा है जहां पे मेरे को नहीं चाहिए कि वहां पे डेटा जाए बट जा रहा है, जो लूप चल रहा है उस लूप में इशू आ रहा है। तो मैं ऑब्वियसली वहीं पे ये सोच रहा था कि इस पे कौन सा सॉर्टिंग लगाऊं ताकि वो डेटा मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही जाए, तो उसी पे ही फंसा हुआ था। तो उसी टाइम मैं सोच रहा था कि शायद मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर पढ़ लेता ना तो यहाँ पे मेरे को जल्दी शायद मैं वो क्रैक कर पाता कि कौन सा सॉर्ट्स यहाँ पे लगाना चाहिए। तो वही प्रॉब्लम मेरे को सुबह ही फेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमारे पढ़ाई काम नहीं आता, बहुत काम आता है पढ़ाई। ठीक है, एक आधा सब्जेक्ट हो सकता है जो काम ना है। मैं अगर एक ही सब्जेक्ट की बात करूँ, सिमुलेशन एक सब्जेक्ट पढ़ा था फाइनल ईयर में, वो मेरे को अभी तक कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं आया, बट उसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मेरे को उसका प्रैक्टिकलिटी मेरे को फेस करना पड़ता है मार्केट में। जैसे मैंने बताया डीएस का, मेरे को डीएस का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेरे को फील्ड में देखने को मिलता है, क्योंकि हमें लगता था उस टाइम पे क्या पढ़ाया जा रहा है, ये क्या डेटा, डेटा टाइप्स, ठीक है ये तो सबको पता है, इंटीजर वेरिएबल ये तो सबको पता है, क्या इसमें क्या ज्यादा क्या पढ़ाया जाता है। बट अभी पता चलता है कि बहुत सारे वैल्यूज के थे क्योंकि उस टाइम पे हमने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, आ जाके हमें पता चल रहा है ठीक है उसको थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते तो आज शायद से सिंप्लिसिटी हो जाती है हमारे जॉब में या फिर हमारे लाइफ में, ये जरूर है। थोड़ा सा और अपना कोई जनरल एक्सपीरियंस रादर देन टेक्निकल के, यस मुझे थोड़ा सा यहाँ फोकस करना चाहिए था, मैं थोड़ा मस्ती कम करता, वैसे मस्ती कीजिए, मैं आपकी क्लास में भी आपको याद हूँ मैं बोलता था सभी बच्चों को कि बेटा मस्ती करो, टाइम, मैं हमेशा यही बोलता था कि करियर बनाने का भी समय यही है और मस्ती करने का भी समय यही है, तो यू दैट शुड बी बैलेंस्ड, तो उस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। जो अगर मैं बेसिकली अगर टेक्निकल लाइन से हटके अगर मैं बात करूंगा ना, प्रेशर की बात करूंगा, क्या होता है हम जब कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, हमारे पास उतना प्रेशर नहीं होता। प्रेशर शायद तुम बच्चों को अभी लग रहा होगा कि बहुत सारे प्रेशर है, इतने सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, 50 सब्जेक्ट है पूरे 4 साल में, इतने सारे प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर काम करना है, इतने असाइनमेंट्स हैं, ऑनलाइन क्लास है, ढंग से क्लास लगनी, प्रेशर है। एक्चुअल प्रेशर वो अभी नहीं है, वो अभी आपका अगर आप बात करोगे ना तो आपके एक्चुअल लाइफ से पहले वो एक हनीमून पीरियड है जस्ट, ये आपको बस बताया जा रहा है कि आगे आने वाला है। बट क्या है, अगर आप इसी टाइम है ना, इसी टाइम को यूटिलाइज करके आप एक्सेप्ट पढ़ाई, अगर आप कुछ भी कहीं पे और जाके कुछ वेबसाइट रिसर्च करते हो, कुछ टूल रिसर्च करते हो, वहां से कुछ कुछ ढूंढते हो और चाहते हो कि अपने आप को एक प्रेशर लाइफ में रखने के लिए, तो वो ना अगर आप अभी से अगर आप बना लो अपने आप को तो आगे जाके वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आगे जब आपको प्रेशर मिलेगा ना तब आपको फील नहीं होगा कि इतना सारा प्रेशर है, मैं कॉलेज तो अभी अभी छोड़ के आया और अभी अभी मार्केट में एंट्री किया, इतना सारा प्रेशर कैसे झेलूंगा, वो उस टाइम पे फील नहीं होगा क्योंकि आप अभी से एक्वेंटेड हो जाएंगे। तो उस पे काम करना। सेकंड, हम जो गलती करते हैं बहुत सारे टाइमिंग को लेके, टाइमिंग क्या होता है, जब आप जॉब 9 to 6 जॉब करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो ना, तो उस पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टायर्ड हो जाते हैं बहुत, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन जो टिल लंच बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है बहुत काम उनके दिमाग में आ जाता है, आफ्टर लंच वो खत्म हो जाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है अभी छुट्टी हो जाए कैसे तैसे, तो वो हमारे लिए ही खराब है। क्योंकि जब जॉब करता है ना बंदा तो स्किल भी अपना डेवलप कर रहा होता है, और उसी टाइम में अगर आप वो सोच रहे हो ना, टायर्ड आप हो रहे हो, तो उसमें भी यही दिक्कत आती है। तो अभी से अपने आप को एक्वेंटेड करने लग जाओ कि कैसे उस पर भी फोकस रखना है, ठीक है, कि कैसे वो टाइमिंग आपको झेलना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कॉलेज टाइमिंग 9 to 4 है, तो उस पर आप क्या कर रहे हो, कितने टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, कितने बंक मार रहे हो, कितने आप लंच टाइम ले रहे हो, कितने आप ब्रेक्स ले रहे हो, उस पर भी अपने आप को काम करो। छोटी छोटी चीजें होती है बट बहुत इफेक्टिव होता है जब आप
पोस्ट कॉलेज आप काम करते हो कहीं पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शायद टाइमिंग मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट चीजें है ना, वो हमने कॉलेज लाइफ में इतना नहीं किया जो कि हम अभी फेस कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। इससे इससे इसी से रिलेटेड एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बड़ा एक किस्सा याद आया है। मैंने जब 2008 में मैंने कंपनी ज्वाइन किया था पास आउट होने के बाद, तो एमएनसी कंपनी था वो, हेडस्ट्रॉन्ग जॉब जेनपेक में ने टेक ओवर कर लिया उसको। तो मैं मुरथल से पास आउट हूँ, डीक्रस्ट मुरथल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था पहले, अभी ये यूनिवर्सिटी बन चुका है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ क्लासेस इतनी नहीं लगती थी, ठीक है, और ना हम लगाते थे। तो वी आर नॉट हैबिचुअल इनफ के हम 9 से लेके 4 बजे तक बैठ के क्लास अटेंड कर सके। हमने कभी की ही नहीं 4 साल में, 9 से 4 हमने कभी आज तक क्लास अटेंड की नहीं। हो सकती थी दिन में 4 क्लास, 3 क्लास मैक्सिमम, 3 या 4 क्लास अटेंड कर ली। लैब में गए तो टीचर इधर उधर हुआ तो कैंटीन चले गए। तो उसका फिर चैलेंज मुझे क्या मिला, मतलब क्या मैंने फील किया जब मैंने कंपनी ज्वाइन की। तो कंपनी में शुरुआत में 3 महीने तक हमारी ट्रेनिंग थी, वो 9 से लेके सुबह 9 से 5 बजे तक आपको पढ़ाते थे। वो उस टाइम पे मतलब बैठना इतना भारी हो जाता था क्योंकि वी आर नॉट हैबिचुअल, हमें आदत ही नहीं है 1 घंटे 2 घंटे 2 लेक्चर से ज्यादा अटेंड करने की। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ही मेरे लिए वो था कि मुझे बैठना कैसे है, कंसंट्रेट करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कंसंट्रेट तो आप तब करेंगे, पढ़ेंगे तो तब, सीखेंगे तो तब जब आप बैठे होंगे। वो बैठना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था सबसे बड़ी मौत यह है कि 9 से लेके 5 बजे तक आपको बैठ के लेक्चर अटेंड करना, क्योंकि हमें आदत ही नहीं थी उस चीज की। तो अगर किसी स्टूडेंट को क्लास अटेंड कम करता है तो उसको अगर किसी ट्रेनिंग में जाना पड़ गया या जब वो जॉब ज्वाइन करेगा तो उसको शुरू के 1 महीने 2 महीने बहुत हेक्टिक होने वाले उसके लिए क्योंकि वो आदत ही नहीं है उसको। क्योंकि वो चीज अगर सर आपको याद हो, जैसे कि मोंटी और मेरा साथ में ही हायरिंग हुआ था, तो मोंटी को बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि मोंटी को बैठने की आदत नहीं थी, आदत थी तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती थी। शायद आपको भी, शायद जितने भी बच्चे हैं उनको भी शायद ना पता हो, मैं थोड़ा सा कह रहा है अटेंडेंस मेरा थोड़ा ज्यादा होता था। मैं कपिल सर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाद अगर कोई एलुमनी टॉक होता है ना तो उस पे हमारे क्लास का जो अक्षय था, अक्षय भट्ट, उसको इन्वाइट किया जाए, क्योंकि उससे बच्चे ये सीख सकते हैं कि मजे करते करते कैसे बीटेक लाइफ निकाल के भी इतना अच्छे जॉब पोस्टिंग आप ले सकते हो। इट्स नाउ वर्किंग एज ए I think IT analyst in NCR Corporation Limited, बहुत बड़ा कंपनी है, MNC कंपनी है। Yes, he's in contact with me. उसका फोन भी आता रहता है बीच में। हाँ, definitely मुझे याद नहीं था, मैं तो आपका नाम ध्यान आया तो मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, मुझे याद नहीं आया अक्षय का, आपने याद कराया। फोन आता रहता उसका थोड़े दिन पहले, शायद 20-21 दिन पहले उसका फोन आया था, मैसेज भी आ जाता उसका। तो डेफिनेटली आई विल कॉन्टेक्ट हिम। और इट्स बीन अ वेरी नाइस फीलिंग फॉर मी के मैंने आप लोगों को 4 साल पढ़ाया था, आप लोगों ने मुझे सुना था, तो अब आपको सुनना एक अच्छी फीलिंग है इतना। क्योंकि पता है क्या है, देखिए स्टूडेंट एक क्लास में, आपकी क्लास में शायद 30-35 स्टूडेंट्स थे, आपके साथ फिर भी इंटरेक्शन था मेरा और सभी आपकी क्लास के सभी बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्शन था, लेकिन फिर भी इतना कभी सुनने का मौका किसी को मिला नहीं, क्योंकि वो काम हमारा ही था और हम ही कर रहे थे हम ही आपको पढ़ाते थे, क्लास में आते थे। तो 3-4 साल पढ़ाया, तो अब मैं जब आप बोल रहे थे तो बोलते बोलते मेरे चेहरे पे स्माइल थी, मतलब ये स्टूडेंट को हमने पढ़ाया था, अब ये बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहा है हमारे साथ, बच्चों के साथ में, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है टीचर के दिल में, दिमाग में थोड़ी सी हाँ, वो हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि हम भी जिनके पास से निकल के आते हैं फिर उनको जब हमारे एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, क्योंकि शायद ऐसे भी होगा बहुत टाइम, जितना कि मेरे को एक्सपीरियंस है सहयोग सर, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने लाइफ के शेयर करते थे हमारे क्लास में, जैसे अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। yes, तो एक्सपीरियंस है, तो वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है जब हम अभी शेयर कर रहे हैं हमारे लाइफ, तो वो जो टाइम स्पैन है हमें लगता है कि बहुत छोटा टाइम स्पैन है, अभी तो हम पढ़ रहे थे, अभी तो क्लास जा रहे थे और अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, तो वो तो है ही ऑब्वियसली। बट हाँ, मेरा हमेशा से मन था कि फिजिकली, चलो सिचुएशन अभी तो खराब है वो तो है, बट मेरे को हमेशा से मन था कि फिजिकली जाके ना जितने भी जूनियर्स हैं उनसे मिलना या उनसे बात करना कि क्या हम एक्चुअली फेस कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले। क्योंकि मेरे को भी उस टाइम पे ऐसा लगता था, अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरे को ऐसा कोई गाइड कर देता ना, या फिर मेरे को कोई ऐसे बता देता कि ठीक है फील्ड में ये हो रहा है, और मैं अगर थोड़ा सीरियस होता था शायद मैं थोड़ा सा आज बेटर होता। हालांकि उस टाइम पे भी मेरे को बहुत गाइडेंस मिला है, लकी एनफ, बट स्टिल जो एक एक्सपीरियंस हम अभी फेस कर रहे हैं ना, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि किसी जूनियर को बताऊं, सो दैट वो भी अपने, चाहे एक भी जूनियर हो, अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है हमारे बात सुन के, अगर वो भी मान लेता है ना, तो हमें भी लगेगा ठीक है
हम कुछ ना कुछ तो शेयर अच्छा सा किए हैं, तो वो चीज हमेशा से होता है. Vashish, you can share your contact number also if you don't have any problem. तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और लिंक्डइन आईडी अपनी शेयर कर सकते हैं, सो दैट मैं चाहता हूं कि बच्चे थोड़ा कॉन्टेक्ट में रहे और मुझ तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े बच्चे को, चाहे आइए मेरे तक, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा कोई एलुमनाई खुद आके बताए कि सर बच्चे कॉन्टेक्ट में, फोन आते हैं मेरे पास जूनियर्स के, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे आपस में खुद ही हेल्प कर रहे हैं. क्योंकि देखिए पता है क्या है, एलुमनाई सीरीज का एलुमनाई टॉक का मतलब यही है कि अदरवाइज मैं किसी और को भी बुला सकता था, किसी और को भी आपको गाइड करने के लिए बुला सकता था स्टूडेंट्स को, बट जो एलुमनाई आपको बता पाया, क्योंकि एलुमनाई इज हैविंग द एग्जैक्ट फीलिंग, एग्जैक्ट नॉलेज उसको है कि आप कहाँ हैं और आपको क्या रिसोर्सेज हैं और आपको आपको क्या करने की जरूरत है. तो वो बहुत अच्छे से आपको जो एलुमनाई गाइड कर सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि शायद टीचर भी गाइड कर सकता है आपको, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि इस बेंच पे या टेबल के उस तरफ जब एलुमनाई था, वो चार साल तक जिस बेंच पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो वहीं बैठ के पढ़ाई करके निकला है, तो उसे हर एक चीज के चैलेंज का पता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है और क्या फिर उसने फेस किया. तो दैट वाज द बेसिक आइडिया, कि इसी आइडिया को दिमाग में रख के हमने शुरू किया है. तो डेफिनेटली हम आपकी फिर से सर्विसेज लेंगे कहीं ना कहीं, और जब ऑफलाइन हो जाएगा सब कुछ स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली विल इनवाइट यू इन द कॉलेज कि आप फिजिकली बच्चों से इंटरेक्ट करें. और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो बेटा आप पूछ सकते हैं, अगेन यू कैन इंटरेक्ट, शर्माइए मत, ये आप ही के साथ के स्टूडेंट हैं, थे पहले आप ही के साथ के, जिन बेंच पे आप पढ़ रहे हैं अभी, वहीं से पढ़ के निकले हैं, उसी डिपार्टमेंट से निकले हैं, पास आउट हुए हैं, तो उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है. अगर आपको ये भी लग रहा हो कि मेरा स्टूपिड सा क्वेश्चन है तो भी मत शर्माइए, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है, स्टूपिड क्वेश्चन का कोई इशू नहीं होता. एक जो हमेशा से मैं देखता हूँ बच्चे जो फेस करते हैं, जो कि रियल लाइफ वर्ल्ड में, शायद मैं भी थोड़ा बहुत फेस किया था स्टार्टिंग फेज में, कि आप जब कोई एक प्रोफेशनल कोर्स से निकल के आते हो और एक लाइन पे जा रहे होते हो, शायद आपको लग रहा होता है आपके स्किल बहुत बेटर है, बट आपके तो सामने वाले बोलते हैं कि तुमने तो सीएससी करके आया था, तुम्हें तो डेवलपिंग फील्ड में जाना चाहिए था, तुम इस फील्ड में क्यों हो. तो वो क्वेश्चन ना हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे बेटर स्किल क्या है, उन्हें नहीं पता. जैसे होता है ना, वो लोग तो कहेंगे, तो वो चीज आपको हमेशा से फेस से रखना है. क्योंकि मैं अपने फील्ड में भी बहुत फेस किया हूँ स्टार्टिंग फेज में, कम से कम 6 महीने 8 महीने, जब मैं सक्सेसफुल हुआ, धीरे धीरे जब मेरे कुछ पॉइंट्स बनने लगे, जब लोगों को पता चला कि क्या मेरे में बेटर है, बाकियों से क्यों मैं डिफर हूँ, तो तब थोड़ा सा चुप हुए लोग. लेकिन तो आपको स्टार्टिंग फेज में बोलते हैं कि क्यों आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, आप कुछ कोडिंग क्यों नहीं कर रहे. आपको ये हमेशा से ये नहीं देखना है कि सिर्फ कोडिंग ही, सीएससी आपको कोई भी, मैं सीएससी की भी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कोई भी आपको लैंग्वेज, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो आपको बताती है कि कैसे आपको उसको मैनेज करना है. पढ़ाई बस ये होता है, जैसे कि आप सीएससी में भी कभी आप कोई भी, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट शायद बहुत रेयर होगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ लैब में सिखाया जा रहा होगा टू प्रैक्टिकली, आपको कभी भी कोई सब्जेक्ट में नहीं होगा कि ऐसे प्रोग्राम लिखना है. आपको बेसिक्स बताए जाएंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने में क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो हमेशा से वो चीज रखना कि आपको बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है, उस बेसिक्स को यूज करके आप किस फील्ड में जा रहे हो, इट्स अप टू यू. आजकल बहुत ऐसे भी फील्ड है जो शायद प्रोफेशनल फील्ड, यूट्यूबर एक क्या प्रोफेशनल फील्ड था, कोई भी एक पढ़ाई होती है क्या, नहीं होती है ना. इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनसे भी शायद इतने अच्छे अच्छे बीटेक करके भी बच्चे नहीं कमा रहे. आशीष चलचलानी है, वीवीके वाइंस है, मुंबई का निखिल है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं. इट्स अप टू यू कि आप में कौन सी स्किल है, आप कौन सी स्किल को यूज कर रहे हो. यहाँ पे मैं अपनी फील्ड की बात करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड की बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें कि कोई रिक्वायरमेंट ऐसे डेवलपिंग की नहीं है, बट आप उसको यूज कर सकते हो एज ए टूल अपनी इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए. हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखना, क्योंकि आप बिना इंटरेस्ट के कोई भी फील्ड में जा रहे हो ना, हार्डली 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लोगे, 3 साल बाद आप परेशान हो जाओगे कि क्यों मैं इस फील्ड में आया, मेरे को नहीं पसंद आ रहा, मैं नहीं कर पा रहा, थक जाओगे आप. तो फिर आपको वापस से फिर से स्क्रैच से कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इससे बेटर है आप जो भी इंटरेस्ट अभी है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जो इंटरेस्ट पे आप काम करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप काम कर रहे हो. मैं अभी अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, मेरे को एंजॉय लगता है, मैं सुबह से शाम बैठता हूँ, मैं 1 घंटा शायद एक्स्ट्रा भी लगा लेता हूँ कि शायद कुछ और मिल जाएगा, कुछ और देख लूंगा, कुछ और मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि इसमें आपको सीखने को मिलता है. मैं अगर अभी भी आपके साथ भी बात कर रहा हूँ, आपके 50 अगर 10 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से शायद ऐसे पॉइंट्स कुछ हो सकते हैं जो मेरे लिए आई ओपनर हो, मेरे को शायद ना पता हो. जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, एथिकल एटिंग ने एक क्वेश्चन किया था,
मेरे को अभी पता चला कि मैं उस फील्ड में तो कोई नॉलेज ही नहीं रखता, मैं तो बिल्कुल उसको भूल ही गया हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक आई ओपनर है। हमेशा देखना पड़ेगा आपको न्यू स्किल्स कहाँ से मिलेंगे, क्या चल रहा है, हमेशा ये स्टैटिक नहीं बन के रहना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाया जाता है ना स्टैटिक डायनेमिक, हमेशा आपको डायनेमिक रहना है, कैसे आपको अपने आप को चेंज करना है। 10,000 के फोन खरीदते हो स्मार्टफोन, वो भी एक महीने में एक बार सिक्योरिटी अपडेट मांग लेता है, तो अपने आप को कैसे स्टैटिक रखना है ना, अपने आप को भी चेंज करना है। ओके सुवशिष, आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन कि आप, बहुत अच्छा सेशन ये रहा और स्टूडेंट्स ने मुझे लगता है कि बहुत गेन किया होगा और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट आल्सो। और इसी तरीके के सेशन हम हर वीक कराते रहेंगे, जैसा भी शेड्यूल एलुमनाई का होगा, जैसे जिस टाइम पे उसी उस तरीके से हम शेड्यूल करें। जी, थैंक यू सुवशिष to share your valuable time and spend some cherishable moment with us. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, students, for cooperating with me and sharing so many. Yes, Suvashish, Yes, ma'am. Yes, Suvashish, the session was really, really very great. And I just hope that students must have learned from your journey and it is going to help them a lot. And honestly speaking, I liked the session very much, and even being in the profession itself, working itself, I am inspired to look for MNC. I don't know about how much of the students have gained this thing or not, but yes, your words have inspired me a lot for me. And the last one you mentioned, the static and dynamic thing, that really works, and students, please keep this thing in mind. You actually have to be dynamic when it comes to your career. Otherwise, you will be on that same package. And if you want to keep that going on ahead in your life, yes, you have to be dynamic. So that the session was really great, Suvashi. Thank you so very much. And itne short notice se aapne ye plan out kiya hamare liye. We are really grateful for that. Even students, I will suggest you guys also. आप लोग अपने एलुमनाइज जो भी अब सीरीज चलेगी, नॉट जस्ट सुवशिष, द अदर स्टूडेंट्स कमिंग अप, योर सीनियर्स कमिंग अप फॉर दी सीरीज, स्टे इन टच विद देम, कीप योरसेल्फ इन टच विद देम, बिकॉज़ दे आर द पीपल हु कैन टेक यू टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इजी, इन एन इजी मैनर। सो स्टे ट्यून टू देम, स्टे कनेक्टेड विद देम, दैट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। And Suvashish, thank you so much, bacha. This was really a great session. आपने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे से explain किया. Again, thank you to all. मैं अपना LinkedIn भी share कर चुका हूँ, and Amar Khan भी मेरे साथ URL share किए हैं. Thank you, Amar. And जब भी आपको कोई भी ऐसे कोई queries हो, आप मेरे को ping कर सकते हैं. WhatsApp में भी मैं WhatsApp number भी share किया हूँ chat पे. तो उस पर भी मेरे को पिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन में भी पिंग कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ओपनिंग्स भी कभी कभी मैं लिंक्डइन पे डालता हूँ, अगर आपको कोई उसमें से स्किल्स है आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे खुद के भी मैं खुद का एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, देन आई एम वर्किंग विथ ए वेरी प्रोफेशनल कंपनी एज वेल, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज के साथ लिंक्ड भी हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ फॉर एनी काइंड ऑफ फील्ड। तो मैं जब भी मेरे को कोई रिक्वायरमेंट आती है मैं लिंक्डइन पे डालता हूँ, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। कोई भी आपको कोई भी डाउट आपको लगता है कि मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, मेरे पास अगर उतना आइडियाज हैं, देन प्लीज शेयर। अगर नहीं भी है देन प्लीज शेयर, कि मैं उससे ट्राई करूंगा कि आपको कुछ भी उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू ऑल, इट्स अ बाय बाय फ्रॉम मी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू डियर, थैंक यू।